जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय स्थान और सबसे शानदार स्थान की बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है केरला। दोस्तों, केरला जाने का मन तो सबका होता है, लेकिन वहां का प्लानिंग करना कठिन होता है, क्योंकि केरला कोई एक जगह नहीं है, पूरा का पूरा राज्य है। और उस पूरे राज्य में आपको घूमने के लिए कुछ ना कुछ नई जगह ही देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केरला जाने के लिए बहुत सारे लोगों का प्लान बनता है, लेकिन उस प्लान में बनाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती है कि हम वहाँ कैसे जाएँ, डे वाइज प्लान कैसे बनाया जाए, कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, कहाँ पहुँचना चाहिए, कहाँ होटल लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मस्तिष्क में सबसे पहले आती हैं। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक ट्रेवल्स अड्डा के माध्यम से हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तब तक आपको कोई भी योजना बनाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि केरला आप कैसे पहुँचेंगे। केरला में आपको प्रॉपर मैप के जरिए मैं समझाऊँगा कि आपको डे वाइज प्लानिंग कैसे करनी है, कौन कौन से लोकेशन को विजिट करना है, क्या क्या एक्टिविटी और कौन कौन से स्थान पे घूमना है, केरला में आपको होटल की क्या क्या कॉस्ट पड़ेंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्च होगा, और साथ ही साथ आप अंत में ये भी जानेंगे कि केरला घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा लगेगा। तो दोस्तों, बने रहें मेरे साथ, एक एक करके मैं सारी बातें पूरे विस्तार से बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आपको केरला राज्य घूमने में बहुत आसानी भी होगी और खर्चा भी कम लगेगा। तो बिना विलंब किए हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि केरला में आपको कौन कौन से लोकेशन को घूमना है, और ये आपको मैं मैप के माध्यम से सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको आना है कोच्चि, और कोच्चि से जाना है मन्नार। मन्नार आने के बाद आपको मन्नार लोकल साइट सीन घूमने के बाद, पूरा घूमने के बाद आपको मन्नार से टिकरी जाना है, और टिकरी से एलेप्पी जाना है। एलेप्पी भी किसी के बाद आपको तिरुअनंतपुरम के लिए निकलना होगा, जो कि तिरुअनंतपुरम, जिसका एक शॉर्ट नेम त्रिवेंद्रम भी है, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है, केरला की राजधानी है, मोस्ट पॉपुलर जगह है केरला की, वहाँ जरूर जाएं। और एक बार त्रिवेंद्रम जाने के बाद आप अपना प्लान वहाँ से वापस कैंसिल कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, जो कि केरला का मेन सिटी है। अब मैं आपको एक एक करके मैप के जरिए डे वाइज प्लानिंग बताऊंगा, आप कैसे कैसे आपको वहां घूमना है और कहां कहां कितने दिन का स्टे करना है। सबसे पहली चीज़ ये, आपको केरला आने के लिए 9 से 10 दिन का प्लानिंग बनाना होगा, जो कि समय लग ही जाएगा। वहीं अगर आप बारीकी से हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करना चाहता है पड़ता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिनों का प्लान बनाते हैं, चाहे 15 दिन का या 20 दिन का। वैसे एक महीने का भी प्लान बनाएंगे तो भी वो कम ही होगा, और जितने ज़्यादा दिन का प्लान बनाएंगे उतना ज़्यादा खर्चा भी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आना है कोच्चि। कोच्चि से ही हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। कोच्चि आने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, बस, फ्लाइट और ट्रेन। बस जो कि आपको राज्य के विभिन्न शहरों से, हर जगह से बस आपको मिल जाएगी, उस बस के माध्यम से भी आप कोच्चि आ सकते हैं, या तो फिर कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि फ्लाइट के माध्यम से, एयरपोर्ट हवाई यात्रा के माध्यम से आप भी एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं कोच्चि में। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना होगा उसके माध्यम से, और या फिर तीसरा ऑप्शन, जो कि आखिरी ऑप्शन है, जो कि कोच्चि से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है एर्नाकुलम जंक्शन, या तो आप एर्नाकुलम भी आ जाइए। देश के लगभग सभी बड़े शहरों से यहाँ के लिए ट्रेन है, जो कि तीसरा और लास्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अब आगे। और जिस दिन आप कोच्चि आएंगे, उस दिन आप स्टे जरूर करेंगे, और वहाँ के लोकल साइट सीन घूमिए, और एर्नाकुलम में भी आपको घूमने के लिए बहुत जगह है। इस एक प्रकार से दोनों ही टूरिस्ट स्पॉट हैं, कोच्चि में बीच भी हैं। कुछ समय आप वहाँ घूमिए, वहाँ लोकल साइट सीन, और साथ ही साथ वहाँ से दोनों ही टूरिस्ट स्पॉट हैं, कोच्चि में बीच है, कुछ समय आप वहाँ घूमिए, वहाँ के लोकल साइट सीन घूमिए, और साथ ही साथ आप वास्को डी गामा का मकबरा भी जा सकते हैं, जो कि एर्नाकुलम में है, वो भी आप जा सकते हैं, और वहाँ के लोकल साइट सीन भी आप घूम सकते हैं। और इसके लिए आप ऑटो टैक्सी के माध्यम से घूमिए, तो आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, ऑटो भी बहुत सस्ता मिल जाता है, और एक दिन का ऑटो का किराया मात्र आपको 300-400 रुपये तक में हो जाएंगे। तो आप दोस्त, अब बात करते हैं आपको कोच्चि में स्टे कहाँ पे करना है। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के आसपास भी होटल में स्टे कर सकते हैं, या कोच्चि के में आकर भी आप होटल स्टे लेकर स्टे कर सकते हैं, या फिर आप कुछ माहौल वाला जगह चाहते हैं तो जिसका अच्छा साइट सीन हो, सीन भी अच्छा हो, बीच के आसपास बहुत सारे होटल रिसोर्ट मिल जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। होटल की बात करें तो आपको 1500 से 2000 या 3000 तक में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप वहाँ भी रह सकते हैं। डे टू, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे दिन की। पहला दिन आपने स्टेशन पे पहुंच के अपना होटल लेके स्टे करा, स्टे करने के बाद आप
शाम में थोड़ा सा घूमें इधर उधर, लोकल साइट सीन वगैरह किए, उसके बाद आपको वहाँ से दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में आपको निकलना है। डे टू में दोस्तों आपको कुछ लोकल साइट सीन बचे हुए हैं तो आप कवर करके लगभग 10 से 11 बजे के आसपास आपको मन्नार के लिए जाना होगा। मन्नार का डिस्टेंस 130 किलोमीटर के लगभग पड़ जाता है। 130 किलोमीटर की यात्रा करने में 4 घंटे लगेंगे। ये यात्रा या तो आप बस के द्वारा कर सकते हैं या फिर आप कार हायर करके घूम सकते हैं, जो कि कोची में कार रेंट पे भी मिल जाएंगे। एक दिन का कार का कॉस्ट 2500 से 4000 के बीच मिलेगा और डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार ले रहे हैं, कौन से ब्रांड का कार ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। और या तो आप प्राइवेट बस के माध्यम से जा सकते हैं। दोनों तरह से 4 घंटे की यात्रा करके आप मन्नार पहुंचेंगे। मन्नार में आपको 2 दिन का स्टे बनाना होगा, क्योंकि मन्नार में जो लोकल साइट सीन हैं, पॉइंट्स हैं, स्पॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा घूमने लायक है। मन्नार जो फेमस है टी गार्डन के लिए, यानी चाय के बागान के लिए। यहाँ की वादियों का आनंद उठाइए। बहुत ही अधिक हरियाली है, बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं, ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, आप मन्नार में आप डे 2 और डे 3 में आपको कौन कौन से लोकल साइट सीन करने हैं, तो हम आपको नाम बताते हैं। मन्नार में सबसे पहले आपको टाटा टी म्यूजियम, तो आप वहां जा सकते हैं, जो कि चाय के बारे में बहुत आपको पूरी जानकारी, रोचक जानकारी के लिए बनाया गया है और बहुत ही सुंदर साइट सीन भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फ्लावर गार्डन, लोकनाथ टी फैक्ट्री, यहाँ भी आप जा सकते हैं। मट्टुपट्टी डैम, यहाँ भी जा सकते हैं, जो कि एक डैम बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। शाम के समय जाएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में, बहुत ही शानदार डैम है, यहाँ जरूर जाएं। इको पॉइंट, टॉप स्टेशन, जिसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मन्नार भी कहा जाता है, यहाँ भी एक बार जरूर जाएं। कुंडाला लेक, यहाँ भी जाएं, यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं और बोटिंग का लुत्फ़ उठाएं। अगर आप कुंडाला लेक में बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ भी जा सकते हैं। और एक आकर्षक है हनी बी ट्री, यहाँ भी जाएं और देखें हनी बी ट्री क्या होता है, कैसा होता है, इसका भी आनंद लें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें को घूमने के लिए 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए आप मन्नार में ही रहें। यहाँ भी आपको होटल के कॉस्ट 1500 से 2000 ही पड़ेंगे। आप यहाँ रहकर 1 दिन का स्टे लीजिए नाइट का और 2 दिन घूमने का मजा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम खाने पीने की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे साउथ इंडियन डिश का मजा जरूर लीजिएगा। तो आप दोस्तों वेज नॉन वेज दोनों प्रकार की भोजन कर सकते हैं, फूड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वहाँ की भाषा संबंधी क्या समस्या होती है, दोस्तों केरला की लोकल लैंग्वेज मलयालम है। अगर आप इंग्लिश बोलने वाले हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हिंदी वालों के लिए भी उतनी समस्या नहीं होती है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ के लोग हिंदी जानते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या तो होती ही है। तो दोस्तों आप मन्नार घूमने के बाद डे 3 में शाम के समय आप रवानगी ले लीजिए, जो कि है आपका टेकड़ी। टेकड़ी से मन्नार की दूरी 100 किलोमीटर है, जो कि 2.5 से 3 घंटे में तय की जाएगी, यानी आपको टेकड़ी जाने में 3 घंटे लगभग लगेंगे। अब बात करते हैं कि टेकड़ी में क्या क्या फेमस है और आपको यहाँ कितने दिन का ट्रिप बनाना है। तो दोस्तों आप डे नंबर 3 में टेकड़ी आ जाते हैं तो यहाँ आपको 2 दिन का ट्रिप बना सकते हैं। टेकड़ी फेमस है आपको वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, जिसका नाम है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से आप दोस्तों आप एलिफेंट राइडिंग, बम्बू राफ्टिंग, बोट राफ्टिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप टेकड़ी में कर सकते हैं पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतना बड़ा है कि 1 दिन आपको वहाँ ही लग जाएगा, क्योंकि देखने में इतना अच्छा ही है, आपको वहाँ से जाने का मन नहीं कर। टेकड़ी में भी आपको 2 दिन का ट्रिप बनाए, यानी आप डे नंबर 3 के रात में टेकड़ी आ जाएं तो वहाँ आप होटल लीजिए और डिनर कर के आराम कीजिए। होटल के यहाँ भी सेम कॉस्ट पड़ेंगे और रात के आराम के बाद डे नंबर 4 और डे नंबर 5 में क्या क्या घूमनी है, तो टेकड़ी में घूमने के बाद आप डे नंबर 4 और डे नंबर 5 में क्या क्या घूमनी है वो आप डे नंबर 4 और 5 में घूम लें। और टेकड़ी में घूमने के बाद डे नंबर 5 में दोपहर के समय, यानी जब आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाए, या शाम के समय आप वहां से फिर से बस लीजिए, ट्रेन या टैक्सी हायर कीजिए और वहां से आपको आना है एलेप्पी, अपने चौथे स्थान पर, जिसका नाम है एलेप्पी। यहां आपको एलेप्पी आना है अपने चौथे स्थान पर। यहाँ पर बात करते हैं कि जो कि केरला की सबसे लोकप्रिय स्थान है,
एलएपी में आपको जो एक्टिविटी करने मिलेंगे वो शानदार मिलेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ जो सबसे पहले करने को मिलता है हाउस बोटिंग, यहाँ पर आपको हाउस बोटिंग का स्टे तो मिलता ही है, साथ ही साथ हाउस बोट क्रूज भी मिलता है। इसके बारे में मैं आप बताता हूँ, हाउस बोट क्रूज क्या होता है, यानी वहाँ पर जो बैक वाटर्स वो होते हैं जो नदी होते हैं उसके पानी को इकट्ठा कर किया जाता है, इकट्ठा करके किया जाता है। बैक वाटर्स मतलब जो नदी नदी होते हैं उसके पानी को इकट्ठा करके बनाया जाता है, जो कि एक स्थिर अवस्था में होती है। उस पानी में आपको किसी प्रकार की हलचल नहीं मिलेंगे, इसमें आप बोट राइडिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ हाउस बोट क्रूज राइडिंग भी कर सकते हैं। हाउस बोट क्रूज ही इसे यहाँ पे बोला जाता है, जिसके अंदर जहाज के अंदर रहने की, खाने की, बाथरूम की, यानी घर की तरह माहौल होगा। और जब आप उसमें रहते हुए बैक वाटर्स पर हाउस बोट में घूमेंगे बहुत ही शानदार अनुभव होगा। तो एलएपी इसी के लिए फेमस है, बैक वाटर पर हाउस बोट में शानदार अनुभव के लिए। और यहाँ भी आप लोकल साइट सीन हैं तो आप यहाँ 2 दिन तो दीजिए ही दीजिए। तो दोस्तों डे नंबर 5 में हम लोग एलएपी के लिए आए थे, तो आपको डे नंबर 6 और डे नंबर 7 आपको यहाँ एलएपी में ही बिताना होगा। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं एलएपी में आपको हाउस बोट क्रूज का कॉस्ट क्या पड़ता है। तो दोस्तों हाउस बोट क्रूज का एलएपी में आपको अगर पूरे दिन और नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको 8 से 10 हज़ार के बीच पड़ जाएगा, जो कि एक ज़्यादा भी होता है। और अगर आप सिर्फ बैक वाटर पे हाउस बोट में शानदार नज़ारे का अनुभव लेना चाहते हैं, अच्छे से घूमना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 4 से 5 हज़ार में घूम सकते हैं, जो कि 4 से 5 घंटे का ट्रिप होता है हाउस बोट के अंदर, जिसमें कि आपको खाना रहना सब चीज़ का मज़ा लेते हुए एंजॉय कर सकते हैं। दिन भर अपने 5 से 4 5 6 घंटे के आसपास वो आप ले सकते हैं और कम कॉस्ट में पूरी तरह से एंजॉय करके घूम सकते हैं सिर्फ 4 से 5 हज़ार में। और रात रहने का बात जहाँ तक रही तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये का कॉस्ट उसमें लग सकता है। तो एलएपी में हाउस बोट का मज़ा लेने के बाद फेमस बीच भी हैं, यहाँ पर बहुत सारी बीचेज हैं, वहाँ पर भी आप घूम कर लोकल साइट सीन वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों डे नंबर 6 और डे नंबर 7 आपको एलएपी के लिए फिक्स है। तो चलिए आपको बताते हैं, अब आप डे नंबर 7 में शाम के समय 2 ऑप्शन हैं, तो आपको अगर एलएपी से ट्रिप को ख़त्म करना है तो वहां से कोच्ची वापस आ जाइए। अगर आप कार हायर किए हैं तो आपको कोच्ची तो आना ही होगा। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप अपने ट्रिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चले आइए त्रिवेंद्रम, तो फिर आप त्रिवेंद्रम भी जा सकते हैं, क्योंकि एलएपी से त्रिवेंद्रम की दूरी 150 किलोमीटर है, जो कि तय करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे, जिसे आप बस ट्रेन दोनों तरह से तय कर सकते हैं। हमारे हिसाब से जब एलएपी आ ही गए हैं तो त्रिवेंद्रम जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ है दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, भगवान पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों केरला आए हैं और त्रिवेंद्रम नहीं गए और पद्मनाभ स्वामी भगवान के दर्शन नहीं किए, तो मेरे हिसाब से ये यात्रा आपकी अधूरी रह जाएगी। अगर आए हैं तो जरूर जाएं, पद्मनाभ स्वामी भगवान का दर्शन जरूर करें, और साथ ही साथ पद्मनाभ स्वामी के दर्शन के साथ साथ यहाँ के बीच की सुंदरता का अनुभव लें। और बहुत सारे लोकल साइट सीन हैं जिनका अनुभव लें, क्योंकि त्रिवेंद्रम है कैपिटल ऑफ केरला, यहाँ बहुत जगह हैं घूमने के लिए। दोस्तों आप यहाँ भी आप 2 दिन का ट्रिप बनाएं, डे नंबर 8 और डे नंबर 9। डे नंबर 8 में आप पहले दिन पद्मनाभ स्वामी के दर्शन के लिए जाएं, जो कि पूरा दिन लग जाएंगे और थोड़ा समय मिलेंगे जो कि बीच में घूम सकते हैं। दूसरे दिन आप ऑटो या टैक्सी के माध्यम से लोकल साइट सीन घूमें और वहाँ से वापस ट्रिप को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों त्रिवेंद्रम में ही रेलवे स्टेशन है तिरुवनंतपुरम के नाम से, वहाँ से आप ट्रेन लीजिए। त्रिवेंद्रम में तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, वहाँ से अपने शहर के लिए ट्रेन या फ्लाइट जो भी माध्यम हो लेकर अपने घर वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं केरला का बेस्ट समय क्या है। पहला है ऑन सीजन, जो कि अक्टूबर से मार्च का बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी नहीं मिलती इस समय, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ आपका थोड़ा बजट ज़्यादा लगेगा। वहीं हम बात करते हैं ऑफ सीजन की, अप्रैल से सितंबर की, ये होता है ऑफ सीजन। अगर आप मानसून या समर में प्लान बना रहे हैं केरला जाने की, तो आप 12 महीने जा सकते हैं, लेकिन इस समय क्राउड नहीं मिलेगा और आपका बजट में कम रहेगा, बजट भी कम रहेगा। तो दोस्तों ये सब बातें थी कि केरला में आपको कैसे डिवाइस घूमना है, कहाँ कहाँ घूमना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या देखने मिलेगी, ये सभी चीज़ें शायद मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूँ और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। चलिए दोस्तों लास्ट में बात करते हैं जो मैंने
ये 9 से 10 दिन का ट्रिप बताया हूँ, इसका एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना होगा। एकदम से एक्यूरेट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एवरेज एक खर्चा बता सकता हूँ कि 20 से 25 हज़ार के बीच होगा एक व्यक्ति का। दोस्तों मैंने इसमें होटल, खाने पीने की और बस और ऑटो का, एक्टिविटी का भी मैंने खर्चा इंक्लूड किया हुआ हूँ और एंट्री फी भी इसमें ऐड किया हुआ हूँ। तो दोस्तों ये था केरला ट्रिप का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, जिसे मेरे द्वारा सॉल्व करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल ट्रेवल्स अड्डा के साथ, और इसी तरह की रोमांचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए नए नए रोमांचक वीडियो लाते रहें।